नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 64 डिजाइनर फंदे डाले हैं और 7 लाइन उल्टा उल्टा बुनते हुए, सामने से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनते हुए मैंने 7 लाइन कंप्लीट किया है। 8वें लाइन में पहला फंदा स्लिप किया है, 2 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को पूरी लाइन में दोहराया है। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। ये डिजाइन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, मैं थोड़ा सा और बता दे रही हूँ, आप देख लीजिए। हम सामने की तरफ हैं, पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, ऊन आगे करेंगे और 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब देखिए 3 सीधे फंदे हैं, तो पहले हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे वाले फंदे को छोड़कर तीसरे वाले फंदे को ऐसे सामने की तरफ से सीधा बुनेंगे और अब दूसरे फंदे को सीधा। फिर से देखिए, उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा, 3 सीधे फंदों में पहले 1 को बुनेंगे, फिर 3 को बुनेंगे, फिर 2 को, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 3 सीधे फंदों में पहले हम 1 को बुनेंगे, फिर 3 को बुनेंगे, फिर 2 को बुनेंगे, 1 3 2। हम सीधे फंदों में यही क्रम रखेंगे, 1 3 और 2। और तो इन्हीं 5 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड से हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा, 3 उल्टे फंदे हैं इसमें डिजाइन पड़ेगा, तो उन अपनी ओर करेंगे, पहले हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को, दूसरे फंदे को हम छोड़ देंगे, तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, लेकिन सामने की तरफ से ना बुनकर सिलाई पीछे की तरफ से डालेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर दूसरे वाले फंदे को उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर। अब देखिए 3 उल्टे फंदे हैं, तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर हमें तीसरा बुनना है, लेकिन सिलाई सामने की तरफ से ना ले जाकर पीछे की तरफ से, देखिए सिलाई के पीछे की तरफ से ऐसे ले जाएंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर अब हम दूसरा फंदा जो हमने छोड़ा था इसे उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा है जिसे हम बुनेंगे, 1 फिर 3 फिर 2 के क्रम में इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदों का और 2 लाइन का रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते हुए हमने लगभग 4.5 इंच कंप्लीट कर लिया है। और अब हम डिजाइन में तब्दीली करेंगे, अब हम इन फंदों को डिक्रीज करेंगे। देखिए कैसे करना है, तो हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का 1 करेंगे, फिर 10 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का 1 करेंगे। इसी तरह हम 10-10 फंदे को उल्टा बुनते जाएंगे और 10 फंदों के बाद 3 फंदों को एक साथ लेके 3 का 1 कर देंगे। लास्ट में 3 फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनने के बाद 4 फंदे बचे हैं, तो 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की ओर हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर
तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। फिर आठ फंदे उल्टा बुनेंगे। फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। नेक्स्ट आठ फंदे उल्टा बुनेंगे। फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो दो फंदा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। अब फिर हम छह फंदों को उल्टा बुनेंगे, छह फंदों को उल्टा बुनने के बाद तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। यानी हर सीधी लाइन में यहाँ बीच के फंदे जो हैं वो दो फंदे कम हो जाएंगे, एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में चला जा रहा है। हर सीधी लाइन में यहाँ जहाँ फंदे घट रहे हैं वहाँ तीन का एक करेंगे जब तक कि ये बीच के फंदे खत्म ना हो जाएं। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, तीन तीन फंदा एक करने में लास्ट में दो ही फंदे बचे हैं तो हम दो ही फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब लास्ट में पांच फंदे बचे हैं तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक और रॉन्ग साइड से तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। तो हमारे सभी फंदे घट गए। अब इस लूप को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके अंदर से गोले को निकाल लेंगे और इसे हम कस लेंगे। अब हम थोड़ा सा धागा काट लेंगे क्योंकि अब हमें सिलाई करनी है। और सुई को ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए फूल की तरह ये बन गया है। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। ये जो सीधे फंदों की लाइन गई है यहीं से हमें फंदे उठाने हैं। प्रत्येक फंदे में हम फंदे उठा लेंगे। इसको ऐसे साथ में लपेटते जाएंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा और बुनाई में सफाई आएगी। इसको ऐसे लपेटते जाएंगे, फंदे प्रत्येक जो सीधे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं वहां से हमें फंदे उठाने हैं। तो हमने 22 फंदे उठा लिए। एक फंदा हम सेंटर से उठाएंगे और फिर हम दूसरी साइड से भी 22 फंदे उठा लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने 22 फंदे उठा लिए। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और ये जो हमारा थ्रेड है उसको हम अंदर की तरफ लपेटते जाएंगे। सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है और थ्रेड को हम अंदर की तरफ लपेटते जाएंगे। तो हमें सामने की तरफ से, रॉन्ग साइड से, दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है और उल्टा बुनते हुए हम 10 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो 10 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 7 की धारियां बुननी है। देखिए 4 सामने से आया है और 3 पीछे से और ये 8वां धारी है। हम 10 धारी नहीं बनाएंगे, हम 8 ही धारी पे इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका वही है
पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह हम सभी फंदे उल्टे बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो सारे फंदे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे क्लोज कर दिए और हमारी टोपी बनके तैयार हो गई है। अब हम इस लूप को बड़ा करेंगे, ऐसे खींच देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसमें से हम गोले को निकाल देंगे और अब इसे हम टाइट कर देंगे। अब हमें यहाँ से डोरी बनाना होगा। तो क्या करेंगे कि देखिए, ये हमारे देखिए चेन, तो अब हम इसमें से तीन फंदे उठाएंगे। देखिए अब चूंकि ये अंदर की तरफ है इसलिए हम पीछे की तरफ से फंदे उठाएंगे। ये एक उठा लिया, फिर ये बीच वाले चेन से दो और ये आखिरी से हम तीन। तो हमने तीन फंदे उठा लिए। अब इसे बुनने के लिए हमें डबल पॉइंटेड नीडल की जरूरत होगी। तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो और तीन, तीनों फंदों को सीधा बुना। अब हमें इसे पलटना नहीं है बल्कि इसे ऐसे खिसकाना है। और अब हमने तीसरे फंदे को बुना है, अब हम फिर पहले फंदे को बुनेंगे। इसको ऐसे खींचेंगे और बुनेंगे, एक दो और तीन, फिर हम इसको ऐसे सरकाएंगे और फिर तीनों फंदों को बुनेंगे। यानी हमेशा हमें हम सीधे की तरफ से ही रहेंगे, यूं कि आप पलटना नहीं है, वापस इसको ऐसे सरकाना है और फिर तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। फंदों को सीधा बुनेंगे, सरकाएंगे और फिर इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हम कितना भी लंबा डोरी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 7 इंच के आसपास बना लिया है। अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारे 3 से 5 फंदे हो गए। अब हम फिर पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, अब फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट दो फंदे हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा भी सीधा बुनेंगे। तो हमने तीन फंदे सीधे बुन लिए। अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। देखिए ये हमने तीसरा जाली दे दिया, फिर उन अपनी ओर करेंगे और देखिए जाली के ऊपर हमें जाली बनाना है। तो जाली देते हुए तीन फंदे सीधे बुन लिए, एक बुना, दो और तीन। अब हमारी सिलाई पे 9 फंदे हो गए। ये हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं जाली से और 3 फंदे हमारे पास थे तो 9 फंदे हो गए। अब इन 9 फंदों को हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ से हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदे को हमने सीधा बुन लिया। अब इन 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे। देखिए हमें इस बीच वाले फंदे को ऊपर रखना है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले फंदे को उठाएंगे और ऐसे पलट देंगे
अब इन तीन फंदों को देंगे एक दो और तीन, और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, उन्हें भी हम सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, अब बीच वाले फंदे को यानी दूसरे फंदे को हम दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे और पहले फंदे को बाएं सिलाई पे, और दूसरे फंदे को ऐसे इस तरह हम बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब दूसरा फंदा ऊपर की तरफ आ गया है, और फिर तीन फंदे लेंगे एक दो और तीन, तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से हम एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दो फंदे घटा दिए और लास्ट में दो फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो अब हमारी सिलाई पे पांच फंदे रह गए हैं, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हमारी सिलाई पे तीन ही फंदे रह गए हैं, तो दूसरे फंदे को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे और पहले फंदे को बाएं सिलाई में। अब दूसरे वाले फंदे को ऐसे बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमारे सभी फंदे घट गए। अब इसे हम ऐसे बड़ा करेंगे। देखिए खूबसूरत सा ये लीफ बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरे वाले डोरी को भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सी डोरी बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।